नगर निगम में एडिशनल कमिश्नर एस के चैतन्य द्वारा दो दिन पहले की गई अभद्रता पर कमिश्नर आशीष सिंह ने पर्दा डाल दिया है। अपने हक की लड़ाई लड़ने मैदान में उतरे राजस्व विभाग के जिम्मेदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अभद्रता के विरोध में लामबंद हुए थे और अपनी बात नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह को बताने पहुंचे थे। दरअसल हुआ यूं था कि एडिशनल कमिश्नर जोन एक का निरीक्षण करने छुट्टी के दिन रविवार को पहुंचे थे। इस दौरान राजस्व विभाग के कर्मचारियों से उनकी बहस हुई थी, जिसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। तब से ही राजस्व विभाग वालों ने एडिशनल कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तमाम विरोध प्रदर्शन के बाद भी एडिशनल कमिश्नर शिकायत करने कमिश्नर के पास पहुंचे। कमिश्नर तो उन्हें नहीं मिले, लेकिन उल्टा उन पर कार्रवाई जरूर शुरू कर दी है। इस मामले में कमिश्नर आशीष सिंह सीधे सीधे तानाशाही कर रहे अधिकारी का पक्ष लेते हुए नजर आए। उन्होंने कर्मचारियों की ही गलती बताई और उन पर कार्रवाई करने का कहा है। छुट्टी के दिन अधिकारी के दौरे पर सिंह बोले कि इंदौर नगर निगम में तो कर्मचारी को 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना होगा। किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है और जो एआरओ और बिल कलेक्टर्स के द्वारा कल किया गया उसको मैं विशुद्ध अनुशासनहीनता मानता हूँ। पहले से ही क्लियर किया जा चुका है, अगर कोई ऐसी समस्या होती है तो उनके द्वारा या तो मुझे या फिर महापौर जी को या फिर शासन के उचित जो भी पदाधिकारीगण हैं उनको समस्या से अवगत कराया जाएगा। अगर कोई ऐसी समस्या थी तो उनको हमारे पास में आना चाहिए था, समस्या से अवगत कराना था। इस प्रकार का प्रदर्शन करना और इस प्रकार से एक दिन की छुट्टी खराब करना, एक दिन की छुट्टी लेना, काम ना करना और अलग अलग जोनों पर अगर कार्य का दिन है और शहरवासी वहां पर बिल जमा करने जा रहे होंगे, राजस्व भरने जा रहे होंगे, वहां पर अगर राजस्व अधिकारी नहीं मिल रहे होंगे तो लोगों को कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, ये विषय जो है विचारणीय है। उधर राजस्व विभाग के अधिकारियों पर गिरती गाज को देखते हुए आने वाले दिनों में अधिकारी और कर्मचारियों का विवाद कोई बड़ा रूप ले सकता है।